नमस्कार दोस्तों, मैं डीएवी बिष्टुपुर बोल रहा हूँ। 25वें सालगिरह के इस अवसर पर कुछ बातें हैं जो कहनी हैं। ज़रा रुक कर अपने शब्दों को मैं तोल रहा हूँ। दोस्तों, मैं डीएवी बिष्टुपुर बोल रहा हूँ। सबसे पहले नमन उस संत को जिन्होंने डीएवी को धरती के पटल पर उतारा, स्वामी दयानंद सरस्वती जी। जी हां, इस एक नाम में है समाया डीएवी का इतिहास सारा। फिर नमन उस संत को जिन्होंने मुझे आकार दिया, एंडी ग्रोवर सर ने दुनिया में मुझे होने का अधिकार दिया। अपनी रजत जयंती के अवसर पर यादों के झरोखों से मैं कुछ लम्हे तोड़ना चाहता हूं। धुंधलाती बिखरती यादों के सिरों को आज मैं एक एक कर जोड़ना चाहता हूं। पीछे मुड़कर जब देखता हूं तो नजर आती है एक छोटी सी इमारत, दूर तक फैली कच्ची ऊंची नीची जमीन, बेतरतीबी से बिखरे पेड़ पौधे, थोड़े बच्चे और कुछ शिक्षक जहीन। पर इनके साथ जुड़ा था डीएवी का नाम और साथ ही जुड़ी थी एक बड़ी जिम्मेदारी, जिम्मेदारी डीएवी के परंपरा को निभाए रखने की, जिम्मेदारी डीएवी के मशाल को जलाए रखने की। डीएवी जिसने वाजपेयी मनमोहन गुजराल दिया, डीएवी जिसने चंद्रशेखर लालाजी और भगत सिंह सलाल दिया, डीएवी जिसने धोनी युवराज और कपिल देव सा शेर दिया, डीएवी जिसने शाहरुख कंगना और अनुपम खेर दिया, डीएवी जिसने दिया कल्पना नीरज हरगोविंद खुराना, हंसराज जगजीत सिंह का तो है लोहा सबने माना। और कितने मैं नाम गिनाऊं, क्या ऐसे ही शाम बिताऊं। इसलिए दोस्तों, अब मैं आगे बढ़ता हूं, कहानी अब मैं अपनी गढ़ता हूं। बात हो रही थी छोटी सी इमारत, कच्ची ऊंची नीची जमीन की, थोड़े बच्चे और कुछ शिक्षक जहीन की। फिर धीरे धीरे पनपती हैं मुझ में नई भुजाएं, क्रमशः भगत बिस्मिल न्यू बिल्डिंग एडमिन ब्लॉक, एक एक कर वजूद में आए। शनह शनह मैंने रूप नया पाया, पुराना खोता गया। आकार के साथ बाकी प्रदर्शन भी मेरा अच्छा और अच्छा होता गया। धुएं धूप और घी की खुशबू से मैंने हवन की परंपरा निभाई। अथक आगे बढ़ता गया, कुछ ऐसे मैंने ऊर्जा पाई। सामाजिक मूल्यों को तो मैंने रखा ही पूरा सहेज, पर उचित जगह पर आधुनिकता से भी मैंने नहीं किया कोई परहेज। डिजिटल इंडिया की राह पर आगे बढ़ा, डिजिटल स्कूल बना मैं शहर का सबसे पहला। ऑनलाइन फी, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, शुरू किया यह दौर सुनहला। बच्चों का तो मैंने खास तौर पर रखा ध्यान, उम्र तजुर्बों की सीमाओं से परे दिया उन्हें पूरा मान। रोते बिलखते बच्चों के लिए मैं मां की मीठी लोरी हो गया, और ऊंची उड़ान की चाहत वालों के लिए दोस्तों मैं पतंग की डोरी हो गया। गुमसुम उदास बच्चों का मैं बन गया दोस्त, उनका यार, उनके सफेद स्याह हर रंगों को स्वीकारा, बना मैं कुछ ऐसा चित्रकार। होनहार बच्चों की पीठ थपथपाई तो कमजोरों को भी दिया पूरा प्यार, वो जिस पालकी में बैठे मैं बन गया दोस्तों उस पालकी का कहार। शिक्षा में तो मैंने जगाई ही नई आस, खेलों में भी मैंने किसी को नहीं किया निराश। जोशीले खिलाड़ियों के लिए मैं हरा भरा मैदान बना, तो राह भटक रहे बच्चों का मैं
गुरु ग्रंथ गीता कुरान बना। वक्ताओं नर्तकों के लिए मैं मंच हो गया, कलाकारों के लिए बना वाद्य यंत्र सुरीला, दिया मैंने अपने हर छात्र को, रंगों से सजा एक जीवन सजीला, भविष्य के राजनीतिज्ञों को तैयार किया, MUN जैसा मंच सजाया, क्रिकेट के अंतर्राष्ट्रीय पटल पर मनीषी जैसा मुझसे है खिलाड़ी भी आया। तो दोस्तों कुछ ऐसे थे मेरे काम और कुछ ऐसा था मेरा छोटा सा सफर। जिम्मेदारी सबों ने निभाई है अपने हिस्से की, तब जाकर पहुंचा हूं मैं इस मकाम पर। इसी की बदौलत वो चंद कमरों की इमारत आज शहर के स्कूलों में सिरमौर है। दोस्तों वो भी एक दौर था और ये भी एक दौर है, पर अभी मैं संतुष्ट नहीं हुआ हूं, न मन घमंड से डोल रहा है। सतत आगे बढ़ता रहूंगा ये मेरा कण कण बोल रहा है। अभी तो सिर्फ रजत छुआ है, आगे स्वर्ण पर नजरें जमा ली हैं, प्रसिद्धि और भी पानी है, वैसे थोड़ी अभी भी पाली है। बस आपका साथ चाहिए, बगैर आपके ये सब स्वप्न मात्र है। आप ही से मेरा अस्तित्व है, आप ही मेरे सबसे महत्वपूर्ण पात्र है, और आप ही के भरोसे ये कहना चाहता हूं कि जमीन पर तो बहुत चल लिया, जमीन पर तो बहुत चल लिया, ऊंची उड़ान अब भरनी है। जो कुछ पाया धन्यवाद ईश्वर को, पर बुलंदियां हासिल और भी करनी है। ये देखो पंख मैंने फैला लिए हैं, अब उड़ने की बारी है। ऐ आसमां मैं आ रहा हूं, अब तुम्हें जीतने की तैयारी है, अब तुम्हें जीतने की तैयारी है।